आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि बच्चों पर नकारात्मक शक्तियों को असर से बचने के उपाय। देखिए, बच्चों पर नकारात्मक शक्तियों का असर सबसे पहले होता है क्योंकि उनका मन और मस्तिष्क बड़े लोग की अपेक्षा बहुत कमज़ोर होता है। हम देखते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति एकटक बच्चे को देखता है तो बच्चा अनमनासा हो जाता है और रोने लगता है। ऐसे अनेक कारण है जो बच्चों को परेशान करते हैं। इस वजह से बच्चे अक्सर बीमार भी रहते हैं, उन्हें भय भी लगता है। कुछ साधारण उपाय कर बच्चों के इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जैसे हम आपको सारे उपाय बता दे रहे हैं। यदि बच्चे को अंधेरे से या कहीं अकेले जाने से डर लगता है तो शुक्ल पक्ष के किसी मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा की पुस्तक लेकर हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करें। फिर हनुमान जी के दाएं कंधे के सिंदूर से बच्चे को तिलक लगाकर मूर्ति के सामने लाल आसन पर बिठा दें और हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करें। ऐसा करने से बच्चे का भय जाता रहेगा। फिर दूसरा है, यदि आपका बच्चा अक्सर बीमार रहता है तो उपचार के साथ साथ हनुमान जी का आप उपाय कर सकते हैं कि शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को एक अष्ट धातु का कड़ा बनवा कर लाएं और इसे हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख दें। फिर हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर कड़े पर लगाकर पंचमुखी से हनुमान कवच, बजरंग बाण, हनुमान बाहु तथा 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर उस कड़े को अपने बच्चे के दाएं हाथ में पहना दें और साथ ही हनुमान जी से प्रार्थना करें कि बच्चा स्वस्थ रहे। एक उपाय हम आपको और बता देते हैं। आपके बच्चे को बार बार नजर लगती है तो मंगलवार को एक चांदी के ताबीज में हनुमान जी की चोले का सिंदूर भर लें और इसे काले धागे में डालकर अपने बच्चे के गले में पहना दीजिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।